कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में, व्हाट वी हैड डन। हाँ बोलो मंथन सर, लास्ट हमने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स किए थे और उस पे एक क्वेश्चन किया था। वेरिएबल्स के आगे प्रोसेस नहीं किए थे? नहीं सर। ओके चलो लिखो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को नोट करो ये। तो क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? सिस्टम वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी चेंज इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। लेकिन आइडेंटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए सब्सटेंस की, मतलब अगर कोई चीज गैस है, अमोनिया गैस है सपोज लिया हमने, तो उसको गैस ही रहना चाहिए। उसको अगर हमने अमोनिया लिक्विड बना दिया तो आइडेंटिटी चेंज कर दी। हमने अमोनिया गैस को नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक कर दिया तो आइडेंटिटी चेंज कर दी। ठीक है, तो आइडेंटिटी नहीं चेंज करनी है। बिना आइडेंटिटी चेंज किए अगर हम सिस्टम वेरिएबल्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, दैट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? एज रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल।
ओके, कोई डाउट किसी को? कर लिया नोट सबने? एग्जाम्पल कौन दे रहा है? रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस का। एनीबॉडी? हाँ बोलो। यस सर, आई वाज थिंकिंग रिवर्सिबल का ऐसा हो सकता है, एक सिस्टम में वी हैव वन सब्सटेंस एंड उसमें फॉर एग्जांपल का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, तो दैट कैन बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। द इररिवर्सिबल के लिए करंटली आई मुझे ये नहीं। Anybody else? Example of a irreversible process. Sir, electric current flow through a conductor with a resistance. That is not a thermodynamic process. Okay. Anything else? Bolo. Unrestrained expansion of fluids. Expansion of fluids. That is irreversible. Yes, sir. Okay. Aur bolo. Sir, electrolysis process. Hmm? Electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो रही है ना, स्लो प्रोसेस में भी नहीं? अरे इलेक्ट्रोलिसिस में तो यार सब्सटेंस की बॉन्डिंग चेंज हो जाती है ना। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर कंसंट्रेट करना है। बोलो अमन चैतन्य। मैं बोलो चैतन्य सर, ये फिजिक्स का बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तुम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ढंग से ले नहीं रहा। रुको, मुझे एक एग्जांपल दे दो। ये एक कंटेनर है और इसमें ये एक मूवेबल पिस्टन है और यहाँ पे गैस है कोई, इसके ऊपर 1 kg का एक ब्लॉक लगता है। अब अगर इस ब्लॉक को हटाएंगे तो क्या होगा?
पिस्टन ऊपर जाएगा, हमने ब्लॉक हटाया और मान लो पिस्टन यहां आके रुका, तो ये हुआ एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब द क्वेश्चन इज, इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? अब बताओ, बोलो सर। इरिवर्सिबल। ओके, बोलो आदित्य। सर रिवर्सिबल, वो 1 kg ब्लॉक वापस रख सकते हैं। बोलो सर। रिवर्सिबल है। रीजन? 1 kg रखेंगे ना तो पिस्टन वापस से नीचे चला जाएगा प्रेशर के वजह से। गुड, सब लोग को यही लग रहा है। चलो लिख लेते हैं। भैया कोई डाउट किसी को? बोलो क्या करना है? सर मैं हाथ नीचे करना भूल गया था, सॉरी। नोट करो, कोई डाउट किसी को ना? बोलो सर। मुझे ये पूछना है कि चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस पर स्टेट पर ही डिपेंड करता है क्या, और कोई फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है? नहीं स्टेट, अरे अमोनिया को नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दिया। अच्छा आइडेंटिटी चेंज हो गई उसकी। अच्छा सर इसका आप रीजन बता सकते हो? इसका रीजन बता सकते हैं, हो गया नोट?
देखो भाई, ये जो रिवर्सिबल इररिवर्सिबल की कहानी है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है, ये जो चेक करना है, जिनको हम किसी भी बीच की स्टेट से वापस ला सके वो होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फाइनल स्टेट से तुम हर कोई वापस आ सकता है, फाइनल स्टेट से चेक नहीं करना होता है। हमें चेक कहां से करना है? इंटरमीडिएट स्टेट से वापस आ सकता है कि नहीं। अगर इंटरमीडिएट स्टेट से वापस आ सकता है तब वो रिवर्सिबल। ओके, तो इररिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है? ठीक है, तो अब समझ में आया पिछला एग्जाम्पल क्यों इररिवर्सिबल है? अब क्लियर है सबको? सर आप एक बार समझा सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 kg ब्लॉक हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? मतलब लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, चेक करने के लिए तो नहीं निकाल सकते एक्सटेंसिव इंटेंसिव, मतलब तो यहाँ सिस्टम चेंज नहीं हुआ क्या? भाई एक्सटर्नल कंडीशन है ना, 1 kg ब्लॉक तो सराउंडिंग है। यस सर। कुछ चेंज करोगे तभी तो कोई प्रोसेस होगा। यस सर। तो ओके सर, ओके। क्लियर है सबको? बोलो सर, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट कौन सा है वो वाले एग्जांपल में? भाई तुमने जब ये ब्लॉक हटाया तो क्या होगा बताओ? वो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आएगा ना? फिर ही जाएगा क्या सर? पिस्टन तो बहुत फास्ट ऊपर आएगा ना? हाँ ठीक है, तो 1 kg ब्लॉक हटाया और पिस्टन ऊपर आ रहा है और यहाँ कहीं बीच में है, अभी रुका नहीं है, इसके पास वेलोसिटी है। इस केस में अगर हम 1 kg का ब्लॉक वापस रखें तो क्या वो लौट पाएगा अपनी ओरिजिनल जगह पे? नहीं। तो सर मतलब क्यों नहीं लौट पाएगा? देखो अभी पिस्टन के पास वेलोसिटी है। यस सर। तुम उस पर 1 kg का ब्लॉक रखोगी?
उससे क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, यस, उससे एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी होगी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं पहुंचेगा। ओके, हाँ, अगर पिस्टन रुका हुआ होता और तब हम रखते तो एनर्जी लॉस ना होती, नहीं होता। ओके सर, ओके, या अंडरस्टूड। बोलो सर, तो इसमें मतलब वो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है उसके वजह से वो चेंज आता है ना, और इससे इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता ना। यस, ओके। एंड सर एक और चीज था मुझे कि जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस में उसमें कुछ नहीं होता ना, सिर्फ फिजिकल चेंजेस में ही थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं ना। अब फिजिकल चेंजेस की तुम लोग डेफिनेशन जो 10 तक पढ़ के रखते हो उसको मतलब, हाँ, हाँ सर वही मतलब केमिकल में कुछ रिएक्शंस में उसमें कुछ बॉन्डिंग चेंज ना हो, ना तो मॉलिक्यूलर ना इंटर मॉलिक्यूलर। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। सर आप रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल दे सकते हो? किसी को रिवर्सिबल कर देते हैं, किसी प्रोसेस को सपोज हमें रिवर्सिबल करना है, कैसे करेंगे? ये कंटेनर, ये पिस्टन और इसके ऊपर 1 kg ब्लॉक की जगह हम 1 kg सैंड रख देते हैं, तो भी इनिशियल सिचुएशन यही रहेगी। अब इसके ऊपर से एक एक सैंड का पार्टिकल हटाना शुरू करते हैं, तो हम एक सैंड का पार्टिकल हटाएंगे क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा और रुक जाएगा, फिर अगला पार्टिकल हटाएंगे, फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा और रुक जाएगा, तो इस तरह ये प्रोसेस करते रहेंगे। एक बार में सैंड का एक ही पार्टिकल हटाएंगे और पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा बहुत स्लोली, तो पिस्टन विल बी ऑलमोस्ट एट रेस्ट एट एनी पॉइंट। तो इस सिचुएशन में हम किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट से सैंड वापस रखना शुरू कर सकते हैं और पिस्टन नीचे आने लग जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस किया, नाउ इट इज अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस। Sir, this definition that you have given for the reversible and irreversible processes with respect to the intermediate states, sir, this is applicable for all kinds of processes, right? Yes. Okay. Sir, वो 1 kg वाला आपने वो सैंड को निकाला, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आते गया, तो सर फिर उसमें वो ये चेंज तो हो रहा है ना, मतलब क्या चेंज हो रहा है सर, मतलब कि वो पोजीशन वापस से चेंज तो हो रहा है ना सर, तो आप बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो, समझा नहीं सर क्या बोल रहे थे। अरे बहुत स्लोली मूव करेगा। हाँ हाँ सर, तो उससे बहुत स्लोली मूव करेगा तो वही हमें चाहिए ना। हाँ ओके, मतलब कि वो वही पोजीशन पे वापिस आए हमको वो चाहिए। अच्छा, तो आप वापिस से सैंड डालोगे तो आसानी से आ जाएगा वही पोजीशन। हाँ। वो ओके। और सर आप थोड़ा आप स्लाइड्स एक बार वापिस से दिखा सकते हो सब बाद में? हाँ दिखाते हैं। ओके ओके,
हेलो सर। सर वो आपने बीच में एक लड़के को जो कोलिजन्स के बारे में बोला था ना, वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। यार देखो, जब पिस्टन मूव कर रहा है उस समय ब्लॉक रखोगे तो एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि पिस्टन वो मास रखने के बाद, 1 kg मास रखने के बाद तो पिस्टन और मास एक साथ चलेंगे, हाँ तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन यस सर। कर चुके हो ना, तो हाँ यस सर। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, हाँ सर। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस कितनी होती है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। हाँ यस सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है नहीं, पिस्टन मूव कर रहा है, हाँ। तो एनर्जी लॉस होगी। अच्छा ओके, तो उससे फिर प्रॉपर वो एनर्जी लॉस हो गई तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं लौट पाएगा ना। अच्छा ओके ओके वैसे हाँ हाँ सर। सर तो वो ये सैंड के इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, क्योंकि वो मतलब वो पिस्टन को नेग्लिजिबल वेलोसिटी है, मतलब ऐसे आप बोल रहे हो ना। ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, एक मास, एक ग्रेन सैंड हटाने से मास में कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा नहीं, तो हाँ सर। मास का चेंज डीएम होगा तो उससे वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल होगी। अच्छा यस सर ओके अंडरस्टूड, थैंक यू सर। So, can you explain this example again? What doubt do you have in the example? Which part you are not understanding? So, you said that in reversible processes, they can be brought back to their initial state from the intermediate state. So, how can you bring like the sand back to its initial position? मैं बीच में कहीं में सैंड हटाई है, यहाँ से सैंड वापस रखने लग जाऊंगा, पिस्टन नीचे आने लग जाएगा। ओके सर, मुझे ये पूछना था कि सर जब हम वापस वो 1 kg ब्लॉक रखेंगे तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा वो कहाँ कहाँ रेस्ट में? पे रखोगे? सर वो एक बार ऊपर आ गया तो उसको वापस रखेंगे तो वो उसी पोजीशन पर रहेगा ना सर? क्या बोला? यहाँ पे अगर 1 kg ब्लॉक रखोगे वापस तो यस वो यहीं पे आएगा। सर, अभी तो आपने बोला ये रिवर्सिबल है। या तुम मतलब वेदांत, तुमने तो ये क्या लिखा है, ये वर्ड क्या लिखा है, इंटरमीडिएट। और ये कौन सी है, इंटरमीडिएट स्टेट है कि फाइनल स्टेट है? अच्छा वो इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके ओके सर। सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? तो डिफरेंसेस लिख लेते हैं कुछ। पहला,
तो देखो हर प्रोसेस को एक फोर्स होगा जो करना चाहेगा और एक फोर्स होगा जो हर प्रोसेस को रोकना चाहेगा, करेक्ट। तो उसे जो करना चाहेगा दैट वी कॉल एज ड्राइविंग फोर्स, जो रोकना चाहेगा दैट वी विल कॉल एज अपोजिंग फोर्स। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस में उनके बीच का डिफरेंस इज इनफाइनाइटली स्मॉल और इररिवर्सिबल प्रोसेस में उनके बीच का डिफरेंस इज फाइनल। ओके, नोट कर लिया ये। सर आप पिछले एग्जांपल में बता सकते हो ड्राइविंग और ऑपोजिंग फोर्सेस? पिछले प्रॉब्लम में प्रोसेस क्या है, गैस का एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो गैस का एक्सपेंशन कौन कराना चाहेगा? गैस का प्रेशर, जी हाँ, तो गैस का प्रेशर ड्राइविंग फोर्स हो गया और अपोजिंग फोर्स जो पिस्टन को रोकना चाह रहा है वो क्या चीज है? बाहर का प्रेशर, बाहर से जितना प्रेशर पड़ रहा है वो अपोजिंग फोर्स हो गया। ओके, इस एग्जांपल में, सैंड वाले एग्जांपल में उनके बीच का डिफरेंस क्या है? वो एक ग्रेन सैंड का मार्क जो तुमने अभी हटाया है, करेक्ट? यस सर, यस। 1 kg वाले एग्जांपल में क्या था वो डिफरेंट? 1 kg, करेक्ट? यस। सेकंड डिफरेंस, रिवर्सिबल प्रोसेस विल टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल, इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और अ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप। ओके, नोट करो।
Sir, if a reversible reaction takes an infinite amount of steps, so is it even possible to occur? If you will digress like this, how we can move forward in this chapter? What is this word written? Okay, sir. I'm not talking about reactions right now. No, sir. So I'm saying that if a reversible process takes an infinite amount of steps to complete, is it even possible to occur? It is possible to complete it in infinite time. Okay, sir. Sir, so जो previous example था जिसमें we had taken the sand bag, so instead of the sand bag, if we had a number of weights, for example 100 weights, so उसमें से अगर हम लोग एक-एक करके weights निकालते, तो that would have been an irreversible process. देखो, अगर मेरा situation ये, ये piston है और इसके ऊपर मान लो चार weight है, 250 grams. Yes. हम एक एक करके हटाए फाइनली यहाँ पहुंचेंगे तो बीच में तीन जगह यस सर, इन तीन जगह से हम वापस लौट सकते हैं क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है, करेक्ट? हाँ यस सर. So this will be an irreversible process. Okay. With three points of reversibility. Oh. तुम यहाँ बीच में कहीं से नहीं लौट सकते. अच्छा, तुम तो अलग-अलग स्टेप्स पे वो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन दोबारा पिछले स्टेप पे नहीं जा सकता. नहीं, इस यहाँ से तुमने एक हटाया पहला, हाँ. जब तक यहाँ पहुंच रहा था उस बीच कहीं से लौट नहीं सकता. ओके ओके, अभी समझा सर. गॉट इट, थैंक यू सर. अगला डिफरेंस जो लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस विल बी वेरी स्लो प्रोसेसेस, दे विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, वेयर एज इररिवर्सिबल प्रोसेस विल बी अ फास्ट प्रोसेस. और फोर्थ डिफरेंस लास्ट,
रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल कंडीशन को कंटिन्यूअसली बदलना पड़ेगा, बट इररिवर्सिबल कंडीशन में, इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ओके, नोट कर लो ये चार डिफरेंसेस। रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेसेस के बीच क्लैरिटी आ गई। बोलो सर, आप ये फोर्थ वाले पॉइंट का एक एग्जांपल दे सकते हो? मतलब इसमें एक्सटर्नल कंडीशन क्या है? पिस्टन के ऊपर सैंड। हाँ, हम हर इंस्टेंट पे सैंड का मास बदल रहे हैं ना। ओके, वैसे कंटिन्यूअसली, और वहां पे डायरेक्ट एक बार निकाल दिया। खत्म, उसके बाद प्रोसेस के बीच। वंस प्रोसेस स्टार्टेड वी डिडंट डिड एनीथिंग। ओके, और सर मेरे को एक लास्ट क्लास के इसमें डाउट है, पूछूं? बोलो सर। क्लोज्ड सिस्टम में आपने वो सराउंड बाउंड्रीज का एग्जांपल दिया था, उसमें एक ऐसा भी था रियल फ्लेक्सिबल और एडियाबैटिक बाउंड्री, तो उसमें एनर्जी चेंज अलाउड नहीं होता ना क्लोज्ड सिस्टम में, तो यहाँ पे एडियाबैटिक डाला तो सिर्फ हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा, तो बाकी एनर्जीज का क्या? क्लोज्ड सिस्टम में सॉरी एनर्जी चेंज अलाउड होता है। हाँ, वो ही अलाउड होता है, और फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो एनर्जी कैन एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क। हाँ, पर एडियाबैटिक ले लिया तो हीट वाला तो नहीं हो पाएगा ना। हमें तो एनर्जी एक्सचेंज करना है ना, हमें ये तो जरूरी नहीं हीट ही एक्सचेंज करनी है। ओके सर, पर वैसे ही आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, तो हमने रियल रिजर्व और एडियाबैटिक बाउंड्री ली, तो बाकी एनर्जीज कैसे नहीं एक्सचेंज हो रहा है उसमें? हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नहीं करना है क्या सर? We are discussing only two forms of energy in this chapter, heat and work. Okay, तो rigid में work भी नहीं हो रहा और adiabatic में heat नहीं हो रही। Okay, okay sir, understood. Sir, can you go to the page where you had written yeah, sir, thank you. सर, आपने जब भी करंट पे दिखाया था उसको खोल सकते हैं? उसमें डाउट है। तुम डाउट बोलो। सर मुझे ये पूछना था सर, जब हम एक ब्लॉक निकालेंगे तो जब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगा, हमने उसी टाइम में अगर वो ब्लॉक वापस डाल दिया तो वो इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा ना वापस पिस्टन? आएगा। आएगा क्या? खाली आएगा। अच्छा, नहीं आएगा तो सर फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे था? पिस्टन के पास वेलोसिटी है और उस समय तुमने ब्लॉक रखा। हाँ, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आएगा। ओके, तो कब आएगा? जब पिस्टन रुका हुआ है और तब ब्लॉक रखा। ओके सर, थैंक यू। जो ये वाला सेटअप है, ये डिफरेंट स्टोन्स वाला, उसमें ऐसे हो सकता है ना, इसका मतलब कि हम लोग दो स्टेप्स के बीच में से पिछला वाला स्टेप नहीं ले सकते, पर जैसे फिफ्थ स्टेप से थर्ड स्टेप मिल सकता है, सेकंड से फर्स्ट जब रुक चुका है। सब भाई तुम्हें मान लो ये बॉम्बे से दिल्ली जाना, व्हाट आर द वेज टू गो, टेल मी। बॉम्बे से दिल्ली जाना है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन टेक? सो प्लेन, ट्रेन्स। सो इफ यू टेक अ फ्लाइट,
and midway you remember you had urgent work in Bombay. You have to return back. Can you now return back? नहीं सर. नहीं. तुम्हें पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा. यहाँ से वापस करते हो. तो ये क्या हुआ? Irreversible. कि एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो फाइनल स्टेट तक जाएगा, वहां से लौट सकते हो. ठीक है? Yes, sir. अब तो ये हुआ वो 1 kg वाला एग्जाम्पल. 1 kg हटा लिया तो अब वो फाइनल पे ही yes, वापस आ सकते हो. अब यू टेक अ ट्रेन, क्या होगा? बीच में कुछ स्टॉपेजेस होंगे इस ट्रेन के. Yes, sir. अब तुम्हें याद आया कि यू हैव टू रिटर्न बैक, यू कैन गेट डाउन एट एनी स्टॉपेज एंड कम बैक. ओके, तो ये हुआ फोर ब्लॉक वाला एग्जाम्पल. ये अभी पॉसिबल है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट आ गए जहां से तुम लौट सकते थे. ओके, अच्छा ठीक है सर. यू टेक अ कार, तो अगर हम लोग कहीं अगर हम लोग बैक, दिस इज रिवर्सिबल. ये हो गया वो सैंड वाला एग्जाम्पल. सर, अगर हम लोग ये बीच में जो स्टॉप्स है इनमें से किसी एक को इनिशियल और फाइनल ले तो नहीं हो सकता? प्रोसेस थोड़े बदलोगे, प्रोसेस का इनिशियल फाइनल तो फिक्स्ड है भाई. आप प्रोसेस क्या है कि पिस्टन के ऊपर 1 kg वो इनिशियल है, और फाइनल क्या है? पिस्टन के ऊपर 0 kg. दैट इज प्रोसेस. थैंक यू सर. प्रोसेस को कितने स्टेप में ब्रेक कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है. सर, सर मतलब कि कोई भी प्रोसेस हुआ सर, वो ब्लॉक वाला भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से इरिवर्सिबल है. लाइक कोई कोई पॉइंट पे वो रिवर्सिबल हो सकता है ना, जैसे अभी आपने वो प्लेन वाला एग्जांपल दिया. तो जितना उसको ब्रेक करते जाओगे, हाँ, 1 kg को जितना ब्रेक करते जाओगे उसमें उसमें पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी आते जाएंगे. सर मतलब समझा नहीं सर आपका. ये 1 kg एक ही बार में पूरा हटा लोगे, हाँ, उसको जितने टुकड़े में करके हटाओगे एक एक करके उतना वो रिवर्स. अच्छा, जैसे वो 4 ब्लॉक का आपने किया, वैसे 1 kg को 4 टुकड़े में तोड़ के करेंगे तो वैसे. यस. अच्छा अच्छा ठीक. So if you were to place multiple 1 kg blocks on the piston and remove them one by one, that would be reversible, right? With some points of reversibility. Okay. Okay, thank you, sir. Next, we can write down thermodynamic variable. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? एनर्जी रिलेटेड वेरिएबल्स जो एक प्रोसेस जब होगा तब पिक्चर में आएंगे. ओके,
And how do we classify them? We classify them as state functions or path functions. State functions that तो स्टेट फंक्शंस क्या है? स्टेट फंक्शंस आर दोस थर्मोडायनामिक वेरिएबल विच विल डिपेंड ओनली ऑन द पाथ टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. सॉरी, स्टेट फंक्शंस विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन from initial state to final state. They will only depend on what is the initial state and what is the final state. Is that clear? Whereas path functions kya hai? Path functions are those thermodynamic variables where the variable depends on initial state, final state, and on the path. Okay. Note kar liya. एग्जाम्पल सभी करते हैं दोनों के. बोलो सर. वो लास्ट स्लाइड दिखाओ ना.
मतलब स्टेट फंक्शंस इस पे नहीं डिपेंड करेंगे कि हमने प्रोसेस किया कैसे है, और पाथ फंक्शंस इस पे डिपेंड करेंगे कि हमने प्रोसेस किया कैसे। ओके सर, सर मतलब कि सर सर इसमें डाउट नहीं सर, जो आपने एकदम स्टार्ट में एग्जांपल दिया था जिसमें सर आप वो हाफ म्यू वी आर स्क्वायर बता रहे थे सर, तो वो कोलिजन तभी होगा जब भी आप सर प्रोसेस के बीच में से कुछ ऐड कर रहे हो ना, उसमें भी वो आप उसी की बात कर रहे थे ना। मतलब अगर हो गया प्रोसेसर उसके बाद आपने वो ब्लॉक को रखा तो रिवर्सिबल हो गया ना वो टाइम पे भी। यार मैं वो बता रहा था कि इनइलास्टिक कोलिजन कितनी एनर्जी लॉस होती है। अच्छा अच्छा ओके सर। सर आप प्रीवियस पे दिखा सकते हो, 2 मिनट के लिए रखना है वो स्लाइड, 2 मिनट के लिए रखना है वो स्लाइड। थैंक यू सर। So, वो 1 kg ब्लॉक वाले एग्जांपल में अगर जब वो पिस्टन रेस्ट पे होता है तभी हम 1 kg ब्लॉक रखते हैं तो तभी कोई कोलिजन नहीं होता है क्या? मतलब तब भी रिलेटिव जीरो होता है ना, तो एनर्जी लॉस जीरो। ओके अच्छा म्यू रिलेटिव जीरो होता है। ओके सर। हो गया नोट। ओके चलो, तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल डिस्कस करते हैं। वर्क, वर्क इज अ वे इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सचेंज एनर्जी, करेक्ट। सो पहले तो इसका एक साइन कन्वेंशन बनाते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या बनाते हैं? वी गिव वर्क अ पॉजिटिव साइन व्हेन वर्क इज डन। बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम and it is given a negative sign when work is done by the system on the surrounding. So basically compression works we give a positive sign and expansion works we give a negative. Here, so this is the sign convention we will use for work.
नोट कर लिया? ओके चलो आगे. Now, once we have decided the sign convention, what we should know that चलो एक ऐसा सिस्टम ले लेते जिसमें ये एक सिस्टम है. ओके और work, we know how we define work. DW work is dot product of force and displacement vector. और हमने work को positive sign दिया है, work done by the surrounding को, correct? So we should see what is the force applied by surrounding on the system. तो अगर मान लो सराउंडिंग का प्रेशर पी एक्सटर्नल है तो सराउंडिंग कितना फोर्स लगाएगा सिस्टम पे या इस पिस्टन पे? पी एक्सटर्नल इनटू ए. और मान लो इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हुई डी एक्स, तो क्या आ गया डी डब्ल्यू? दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डी डब्ल्यू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इनटू ए डी एक्स. और ए डी एक्स क्या होगा? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम. तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डी. तो ये आ गया वर्क का एक जनरल रिलेशन. क्लियर? नोट करो इतना. तो what if the p external is not constant? It may or may not be. So then how can we take it as a constant when we are solving for this? As a constant. Yes, sir. Where I have taken it as a constant? Oh, okay, sir. So can you explain this example again? Displacement सीधे apply किया force into displacement. तो हमें work done by the surrounding निकालना है ना. तो surrounding का force देखा कितना है? Surrounding का pressure into area, surrounding का force हो गया. और उसमें piston की displacement को dot product कर दिया. ओके सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? अगर फोर्स अंदर पुश कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पिस्टन का अंदर की साइड होगा ना? नहीं, गलत बात. ये फोर्स जो है ये सराउंडिंग का फोर्स है. हाँ सर. भाई सिस्टम भी तो पिस्टन पे फोर्स लगा रहा होगा. हाँ सर. अच्छा, अगर ये फोर्स सिस्टम के फोर्स से कम होगा तो आगे जाएगा. ये ठीक है, होगा तो पिस्टन पीछे जाएगा. पिस्टन पीछे जाएगा तो dx की वैल्यू न्यूमेरिकली नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है सर. इसमें जब हम वेरिएबल मानेंगे तो हम उसको इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x में ही मानेंगे ना. ओके सर, समझा. तो अब वंस वी हैव गॉट दिस जनरल रिलेशन ऑफ वर्क दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी बी, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में
हम लोगों की पहली कंडीशन क्या थी रिवर्सिबल प्रोसेस की, इफ यू रिमेम्बर दैट डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्सेस इनफाइनाइटली स्मॉल, करेक्ट? मेरी डेफिनेशन थी, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के प्रेशर में देयर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस एक्सटर्नल प्रेशर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस, करेक्ट? तो उससे व्हाट आई कैन राइट dW आई कैन राइट एज माइनस pdV एंड एयर p इज प्रेशर ऑफ सिस्टम. उसको इंटीग्रेट करके वर्क क्या आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, माइनस इंटीग्रल pdV फ्रॉम vi टू vs. लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होंगे नहीं, उनके बीच एक फाइनाइट डिफरेंस होता है. और दूसरी बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वीएस माइनस वीआई, करेक्ट? तो वर्क का फॉर्मूला चेंज हो रहा है डिपेंडिंग हम प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं, करेक्ट? मींस द वैल्यू ऑफ वर्क विल डिपेंड ऑन हाउ वी डू द प्रोसेस. और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इस पे डिपेंड करते हैं दैट हाउ वी डू द प्रोसेस, that we know are path function. So work is a path function because it depends whether we are doing the process reversibly or irreversibly. Bolo. Sir, mera doubt tha ki sir humne जो एग्जांपल से डिराइव किया उसमें सर वो पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है सर, फोर्स बाहर की तरफ से अंदर आ रहा है पर पिस्टन अंदर से बाहर मूव कर रहा है, ऐसा क्यों? अरे यार, पिस्टन किधर मूव करेगा डिपेंड करेगा पी गैस और पी एक्सटर्नल में ज्यादा कौन है, ठीक है? सर तो वो पहले स्टेबल नहीं था वो पिस्टन, प्रोसेस होना है तो दोनों के प्रेशर में कुछ डिफरेंस होगा तभी तो प्रोसेस होगा ना, वरना प्रोसेस ही नहीं होगा. नहीं सर, जब पी एक्सटर्नल नहीं लग रहा था तभी स्टेबल नहीं था वो. कैसे हो सकता है, बाहर सराउंडिंग कुछ तो प्रेशर लगाएगी ना सिस्टम पे. अच्छा, ओके सर, ओके सर. तो फिर पी एक्सटर्नल ज्यादा हो गया तो पिस्टन अंदर जाएगा, पिस्टन अंदर जाएगा तो dx की वैल्यू कुछ नेगेटिव नंबर होगी. ओके ओके, देखो ये x है, करेक्ट? यस सर. तो x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कैलकुलस का dx वेरिएबल लेते हैं. अगर ये एक्चुअली अंदर जा रहा है तो dx की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तुम कैलकुलस का वेरिएबल x माइनस dx नहीं मानोगे. ओके सर, सर कैन यू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज, मेरे को उसमें डाउट है.
So can you explain how you got both the formulas again, please? I was having internet issues. Integrate the upper wali equation. Sir, logic bata di, na? Reversible process में external pressure और internal pressure हर step पे almost बराबर रहते हैं. Yes, sir. तो reversible वाले में मैंने external pressure को internal pressure से replace कर दिया और फिर integrate कर दिया. Yes, sir. और irreversible process में external pressure constant रहता है. Yes, sir. Understood. Thank you, sir. सर ये लास्ट स्लाइड में सर वो नहीं समझ रहे सर मतलब लॉजिक क्या लगाया सर वो इसमें वो पीएक्स चैनल पी के इक्वल कैसे सर वो यार ये क्या लिखा था सर यही लास्ट स्लाइड में सर मतलब सर ये वाली स्लाइड में अरे इसका पहला पॉइंट पढ़ो रिवर्सिबल में क्या लिखा है द ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब अंदर और बाहर के प्रेशर में इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा हाँ सर तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं हाँ सर और हाँ सर ये समझ गया और सर इरिवर्सिबल का आपने वो वापिस सर वही किया लाइक इंटीग्रेशन किया और फिर रिजल्ट लिख दिया ना अच्छा सर ओके थैंक यू सर इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है सर आप एक बार वापस समझा सकते हो कि वर्क वो पाथ फंक्शन कैसे है भाई अगर तुमने इरिवर्सिबली किया वर्क अगर एक प्रोसेस को इरिवर्सिबली किया या रिवर्सिबली किया उसी प्रोसेस को रिवर्सिबली किया एक बार और एक बार इरिवर्सिबली किया तो उसमें वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी हाँ यस सर अगर वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी तो उससे क्या होगा मतलब वर्क की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि तुम प्रोसेस कैसे कर रहे हो हाँ और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इस पर डिपेंड करते हैं कि प्रोसेस कैसे कर रहे हो वो पाथ फंक्शन होते हैं हाँ ओके यस सर ठीक है सर आप दो स्लाइड पीछे जा सकते हो मुझे स्क्रीनशॉट लेने का है और सर एक और एक सर ये हाँ सर एक और एक सर ये वर्क में रिवर्सिबल को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ रिलेशन पता रहना चाहिए ना हाँ अच्छा तो सर वो देंगे एग्जाम में करेंगे जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम तब देखेंगे उस चीज को आज ओके सर रिलेशन ठीक रहेगा अच्छा ओके सर थैंक यू सर सो ये लास्ट स्लाइड में आपने irreversible वाले वर्क के लिए vf minus vi क्यों लिया मतलब समझा नहीं मेरे को ये करना पड़ेगा हाँ external pressure constant है तो उसको integral के बाहर लिख सकते हैं yes sir dv का integral क्या होगा okay समझा सर हो गया नोट सब ओके
वर्क का क्लियर है तो नेक्स्ट थर्मोडायनामिक वेरिएबल वी विल पिक अप इन नेक्स्ट क्लास थर्सडे को करते हैं ओके सो वी विल स्टॉप हियर टुडे बाय एवरीबॉडी